हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात काफी चर्चा में बने हुए हैं। तो देखता हूं इससे कि किस कारण ये चर्चा में रहे और इससे संबंधित जो भी आपके और पक्ष भी हैं उन पर भी हम लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे, उसे भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मैप्स पर। कहाँ आखिर है ये यूएई और आपका इजराइल? देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत। दिख रहा है आपको भारत? यहां से जैसे ही आप लोग इस तरफ जाएंगी तो यह संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी अबू धाबी। अबू धाबी देखिए, ठीक है। यहां से जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यह है भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है इजराइल। क्या है? इजराइल दिख रहा है, यह है इजराइल। इसके पास ही आप देखते हैं लेबनान। कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक विस्फोट हुआ था लेबनान में, तो ये भी चर्चा में। ये सीरिया है यही, और इसके बाद आप जॉर्डन भी देखेंगे, इसी से लगते हुए देश हैं। ठीक है, संयुक्त सऊदी अरब लगता है आपका, इसकी सीमा संयुक्त अरब अमीरात से ओमान की भी लगती है, और जो फारस की खाड़ी है इसकी भी लगती है। ठीक है, याद रखिए ओमान की खाड़ी भी यही है आपकी। चलिए देखता हूं कि किस लिए चर्चा में। हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक वॉशिंगटन ब्रोकेड समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ऐसी घोषणा करने वाला यूएई खाड़ी क्षेत्र का प्रथम तथा तीसरा अरब देश है जिसके इजराइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध है। इससे पूर्व मिस्र ने वर्ष 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों पश्चिम एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी हैं। और एक बात और याद रखिए, कई बार पूछते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो प्रीलिम्स में तो आप याद रखिए, जब भी कोई देश चर्चा में रहे काफी, उनकी स्थिति जान लिया करिएगा, उनके बारे में पढ़ लिया करिएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने वर्ल्ड मैप कवर कर रहे थे पूरा, आपने देखा है देश की राजधानियां, देशों के बारे में जाना, खनिजों के बारे में जाना, जो आपका ज्योग्राफी में एक मैप्स का पार्ट होता है ना, पूरा पार्ट जाना है। और आप जानते हैं कि अगर मैप्स आपने संभाल लिया तो 70 से 75% क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आप भी जानते हैं कि सभी देशों को याद रख पाना आपके ही लिए नहीं, किसी के लिए भी नामुमकिन है। यानी कि याद ही नहीं रख सकते, इतने देश हैं, समझ रहे हैं? तो कम से कम यही करना पड़ता था कि उनके बारे में जो भी चर्चा में, उस समय जब आप पेपर देने जा रहे हैं उस साल में, तो आप उनकी स्थिति भी याद रख लिया करिएगा, उनसे जो जिन देशों की सीमाएं लगती हैं उन्हें भी याद रख लिया करिएगा। बस यही क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, और मेंस में आपका पूछ लेता है, तो आप लोग इसके लिए भी करंट से जुड़े रहिए। बात करते हैं इजराइल यूएई शांति समझौता। वॉशिंगटन ब्रोकेड समझौता, जिसे इजराइल यूएई शांति समझौता के रूप में भी जाना जाता है, यह इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने हिस्सों में जोड़ने की योजना को निलंबित कर देगा। याद रखिए, इसे इजराइल यूएई शांति समझौता भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि वॉशिंगटन ब्रोकेड समझौता का दूसरा नाम क्या है? इजराइल यूएई शांति समझौता। और ये क्या कर रहा है कि इजराइल फिलिस्तीनी जो क्षेत्र है उनके हिस्सों को अपने में जोड़ने की बात कर रहा है। समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर अधिग्रहण करने की अपनी योजना को निलंबित कर रहा है। यहां देखेंगे आप लोग वेस्ट बैंक आपको देखेगी, देखिए यह है वेस्ट बैंक, समझ रहे हैं? देखिए यहां आपको क्लियर दिख रहा होगा, यूएई और ये है आपका लेबनान और इजराइल, ये है आपका इजराइल। ठीक है, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसका एक प्रमुख शहर फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी रामल्ला है। इजराइल ने 6 दिवसीय अरब इजराइली युद्ध 1967 में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था, और बाद के वर्षों में वहां बस्तियां स्थापित की है। किसने? इजराइल ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में प्रतिनिधि मंडल सीधी उड़ानों, सुरक्षा और दूरसंचार, ऊर्जा, पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल के सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे।
समझौते के अगर कारणों की बात करें तो वर्ष 1971 से संयुक्त अरब अमीरात फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता था। हाल के वर्षों में ईरान के साथ साझा दुश्मनी और लेबनान के आतंकवादी समूह हिजबुल्ला के कारण खाड़ी अरब देशों और इजराइल के बीच निकटता आ गई है। आतंकवादी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास के कारण भी दोनों देशों के बीच निकटता बढ़ी है। इससे पहले आप देखते थे कि इन दोनों के देशों के बीच कुछ खास संबंध अच्छे नहीं थे। इस समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने इजराइल और यूएई की कई गुप्त वार्ताओं की पृष्ठभूमि तैयार की है। और अभी भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इजराइल को पूरा समर्थन देते हैं। अरब इजराइल के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर अगर बात करें तो यह ऐतिहासिक समझौता है जो यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के मामले में तीसरा अरब देश है और खाड़ी क्षेत्र में पहला क्षेत्र है। अरब इजराइल संबंध पूर्व में ऐतिहासिक रूप से संघर्षग्रस्त रहे हैं, यानी कि इनमें दोनों में कुछ खास अच्छे नहीं दिखे संबंध, इनके संघर्ष होता रहा है इन दोनों के बीच। वर्ष 1948 में यहूदियों ने स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी और इजराइल एक देश बन गया। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के अरब राज्य जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, सीरिया, इन्होंने इजराइल पर आक्रमण कर दिया और युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना के आदेश अनुसार प्राप्त भूमि से भी अधिक भूमि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके पश्चात दोनों देशों के मध्य संघर्ष तेज होने लगा और वर्ष 1967 में प्रसिद्ध सिक्स डे वॉर यानी कि 6 दिन का युद्ध, जिसमें इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स, सेनाई प्रायद्वीप वेस्ट बैंक और पूर्वी एरूसलम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इसके बाद अरब देशों ने खार्तूम में बुलाई बैठक में तीन नकारात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव पेश किया, जिसके अंतर्गत इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, इजराइल के साथ कोई वार्ता नहीं और इजराइल को किसी प्रकार की मान्यता नहीं का प्रावधान था इन तीन सिद्धांतों में। परंतु यह सिद्धांत लंबे समय तक नहीं चला। वर्ष 1979 में मिस्र ने और जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते कर लिए। अरब देशों और इजराइल के बीच पुरानी शत्रुता अब समाप्त हो रही है और सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी जनसंख्या वाले अरब देशों ने पिछले कई वर्षों से इजराइल के साथ संपर्क स्थापित किया है। अरब देश इस तथ्य को समझ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब उनकी सैन्य व वित्तीय सहायता करने में अपने हाथ पीछे खींच रहा है। ऐसे में ईरान की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने के लिए इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। एक बात और याद रखिए, कभी भी आप समझिए कि कोई हमारा स्थायी दोस्त नहीं होता है। आपका मतलब निकल रहा है, आप दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, इस समय आप जो दोस्ती देखते हैं हमारे आपके बीच, यही हाल है। एक समय आप भी देखते थे कि हमारे संबंध रूस से अच्छे हुआ करते थे, रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र हुआ करता था, और आपने देखा है अमेरिका को झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ हुआ करता था। आज परिस्थिति बदल चुकी है, अमेरिका हमारी तरफ झुकाव हो रहा है, रूस का पाकिस्तान और चीन की तरफ जा रहा है, और अमेरिका हमारी तरफ इसलिए झुक रहा है क्योंकि वो चीन को अगर रोकना है आगे बढ़ने से, फिर चाहे दक्षिण चीन सागर के मामले में ले लीजिए या फिर किसी भी मामले में, तो उसे भारत की जरूरत है, इसलिए भारत को वो अपना अच्छा दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हो सकता है कि आने वाली स्थिति ऐसी हो कि उसे चीन से कुछ मतलब निकलवाना हो तो वो भारत को छोड़कर चीन के साथ शामिल हो जाएगा। समझ रहे, यही हाल है पूरी दुनिया का कि कभी भी किसी को भी दोस्त किसी को भी दुश्मन बना सकते हैं। वैश्विक प्रतिक्रिया की बात करें यानी कि विश्व ने क्या कहा है इस पर, इजराइल प्रस्तावित समझौता वेस्ट बैंक के अलावा अन्य क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करते हुए इजराइल के वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा। यह घोषणा इजराइल के अरब देशों के साथ संबंधों की निकटता को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है। यह समझौता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक ऐसे समय में राजनीतिक रूप से मदद कर सकता है जब इजराइल की गठबंधन सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन ने क्या कहा है, तो फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन हमास ने घोषणा को यह कहते हुए नकार दिया कि यह सौदा फिलिस्तीनियों के हित में नहीं है। फिलिस्तीन स्वतंत्रता संघर्ष अरब राष्ट्रों के विश्वास तथा सहयोग पर आधारित था।
प्रस्तावित समझौते को फिलिस्तीन के लिए जीत और हार दोनों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या कहा है? समझौते को नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक राजनीतिक जीत के रूप में माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रयास ना तो अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने में और ना ही इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति लाने में अभी तक सफल रहे। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी आप देख रहे हैं कि वो सभी नीति अपना रहे हैं जिससे वो दोबारा सत्ता में आ सके, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि आपने देखा है कि अफगानिस्तान से निकल गए, कुछ समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है फिर भी निकल चुके हैं वहां से। ईरान को देखा है आपने कि किस तरह से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसराइल का मामला ले लीजिए, तो अमेरिका एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो शक्ति जो पहले था, एक समय कहा करते थे कि अगर अमेरिका को छींक आ जाती है तो पूरी दुनिया को सर्दी हो जाती है, लेकिन आज परिस्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। WHO का मामला ले लीजिए आप लोग, WHO से जैसे ही अमेरिका निकला, चीन ने अपने पैर जमा लिए। अफगानिस्तान में आप देखिए, जैसे ही वहां से निकलने की इन्होंने घोषणा की, चीन ने अपना पैर जमा लिया। यानी कि चीन भी अब महाशक्ति बनने की कतार में जा खड़ा हुआ है, और कई विद्वानों, कई अर्थशास्त्रियों ने तो यहां तक कर दिया है कि आने वाले कुछ सालों में चीन नंबर 1 की GDP पहुंच जाएगी, बन जाएगी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने क्या कहा है? वॉशिंगटन में UAE के राजदूत ने कहा है कि इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता कूटनीतिक जीत है, उसे अरब इजराइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण अग्रिम के रूप में माना जाना चाहिए। भारत ने क्या कहा है? भारत ने शांति समझौते का स्वागत किया है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही भारत के बेहद करीबी मित्र देश हैं। ऐसे में भविष्य में इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC में कश्मीर का मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। तुर्की ने क्या कहा है? तुर्की ने इसे फिलिस्तीनी समुदाय को धोखा देने वाला समझौता बताया है। तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ने की बात भी कही है। तुर्की आने वाले समय में अपने राजदूत एवं अन्य अधिकारियों को संयुक्त अरब अमीरात से वापस बुलाने पर विचार कर सकता है। फिलिस्तीन की समस्या क्या है उसे भी देख लेता हूँ। उल्लेखनीय है कि अभी तक अरब देशों के साथ इजराइल का कोई राजनयिक संबंध नहीं था, लेकिन ईरान से संबंधित चिंताओं के चलते अब इन दोनों देशों के बीच अनौपचारिक संपर्क की शुरुआत हो गई है। इस समझौते पर फिलिस्तीन का शीर्ष नेतृत्व काफी हैरान भी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने इस समझौते को सौदा करा दिया और कहा है कि राजद्रोह से कम नहीं है। फिलिस्तीन सरकार ने UAE से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। वहीं ईरान ने भी इजराइल और UAE के बीच इस समझौते को शर्मनाक बताया है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात को भले ही समझौते से अभी या देर में लाभ मिलने की संभावना हो, लेकिन इस समझौते ने फिलिस्तीन को एक बार फिर हाशिए पर रख दिया है। यह समझौता फिलिस्तीन के मुद्दे को हल करने की व्यापक शांति योजना से कहीं दूर है। नेतन्याहू को जहां इसमें आम चुनाव में लाभ मिल सकता है, वहीं UAE के लिए इसमें तत्कालीन लाभ नहीं दिख रहा है। अन्य चुनौतियां क्या हो सकती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते के कारण इस्लामिक दुनिया में भी मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन में पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की पहले से ही नए संगठन के निर्माण की बात करते आए हैं। वही अब इस मुद्दे पर एर्दोगन, तुर्की के राष्ट्रपति, ने एक ऐसे समूह संगठन की आवश्यकता की बात कही जो फिलिस्तीनी समुदाय के लिए संघर्ष कर सके। इस समझौते के बाद ईरान को इजराइल की सेना से के उसकी सीमा तक आने का डर सता रहा है। यह कहीं ना कहीं अरब जगत के दूसरे देशों के लिए सुरक्षा की गारंटी भी होगी, क्योंकि सभी अरब देश ईरान की बढ़ती शक्ति से चिंतित भी हैं। सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर के अनुसार इसे ऐतिहासिक समझौता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने इससे पहले भी जो 4 समझौते 1979, 1983, 1993, 1994 को किए थे, उन्हें भी ऐतिहासिक बताया गया था, लेकिन इसमें कोई शांति स्थापित नहीं हो पाई थी क्योंकि यह अलग अलग देशों द्वारा किए गए थे, इसमें क्षेत्रीय सहमति शामिल नहीं थी। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि यह समझौता मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। मध्य पूर्व को दो सबसे
प्रगतिशील और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध शुरू होने से आर्थिक विकास के साथ ही लोगों से लोगों के संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत के संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध हैं, इसलिए भारत के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहेंगे। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति में अस्पष्टता आ सकती है, जिस पर विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो ये कहानी थी आपकी इजराइल फिलिस्तीन, और भारत को भी हम लोगों ने एक तरह से रख लिया है पक्ष में, और आपका यूएई की। ठीक है,